होटल होटल अमृतसर में ताज होटल में था, इंडिया का एक महंगे होटल में से। आज सिंगापुर में हूँ मैं, पर मुझे ताज्जुब है कि वहाँ का वो 5 स्टार होटल था, यहाँ का मैं मेरे ख्याल से 3 या 3 स्टार मेरे ख्याल से है, मैंने बुक किया है। ये देखिए आप, बस है ना फर्स्ट क्लास, ये सब टैक्सी यहाँ आ गए। ये जो झूला देख रहे हैं इसकी कीमत 5,000, देखिए मैं गलत बोल सकता हूँ, मुझे याद नहीं है, तो इतनी हरासमेंट हो रही। ये देखिए बिल्डिंग है, जहाँ मैं एंजॉय करने वाला हूँ आज नाइट तक। यहाँ एक लाइट शो होने वाला है, ये देखिए मैं इस बस में बैठ चुका हूँ, फ्री सिंगापुर टूर। नाइट एंड डे चलती रहती है, लिखा भी है, सारी फ्री नहीं है। मैं जिसमें बैठा हूँ मुझे लगभग 250 रुपये पे करना पड़ा, और मैं अभी कुछ देर में उतरने वाला हूँ, तो आप ये समझ लो। और मैं इसी के आसपास में एक दूसरा होटल बुक किया है मैंने, उम्मीद करता हूँ कि उससे अच्छा होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे लगे हैं। यदि मैं अकेला था तो मेरे इतने पैसे खर्च नहीं होते। मैं गेस्ट हाउस में रहता, या हो सॉरी मैं हॉस्टल में काफ़ी कम खर्चा आता है, आप समझो कि बहुत ज़्यादा कम। हॉस्टल में मेरे ख्याल से 1700-1800 ऐसे लगते हैं, या इससे भी कम लग सकते हैं, पता नहीं, आपको सर्च करना पड़ेगा। इंटरनेट डाउन हो जा रहा है,
क्योंकि इंडिया की तरफ से तो बढ़िया ही है। देखो ये एक औरत है खड़ी है चुपचाप, और एक और आपको जहाँ से रोड क्रॉस करना है या पैदल चलना है सब यहाँ पे पहले से ही निर्धारित है, उसके अलावा आप नहीं चल सकते। यदि आप उल्टी सीधे चलोगे तो आपको पेनल्टी लगती है, चालान कटता है आपका। आप यदि सोचो कि मैं बच जाऊँगा, नहीं बच सकते, ये तो कोई बस एकदम अपने लेन में है, हो सकता है मे भी लेफ्ट जाना होगा या पता नहीं किधर जाना है, तो बस स्टैंड रहिए ठीक है। Fantastic moment in of my life के सामने, ये भी मुझे enjoy करना है, पर अभी सोचा नहीं है, थी अभी मुझे नहीं पता, अभी ध्यान नहीं आ रहा कितना चाहे। वो जो ऊपर सामने आप दूर देख रहे हैं वो झूला ट्रॉली एक तरीके का है, वो पैसे बहुत लगते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको इंडिया में यदि आप एक रुपये का कुछ लेते हो, और यहाँ इंडिया सिंगापुर में भी आप एक रुपया कुछ लेते हो तो हमें इंडिया का 52-53 रुपये देना पड़ता है, क्योंकि 50 रुपये 51-52 रुपये पता नहीं कितना उसकी कीमत है डॉलर की, आप गूगल पे देख सकते हो सिंगापुर डॉलर। और आप जब परचेज करोगे किसी एजेंसी से तो आपको कुछ कमीशन देना पड़ता है, उनको ब्रोकरेज। मैं ड्राइवर के पास इसलिए हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे नहीं पता हार्बर फ्रंट किधर है, तो ये मुझे बता दे। ये देखिए लिखा हुआ सेंटोसा गेटवे, सेंटोसा ही मुझे जाने, यानी मैं पहुँचने वाला हूँ। ये वीवो, हाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो सिटी में जाने वाला हूँ, यही है। तो मेरे ख्याल से किसी ने बताया था यहाँ कुछ है खास वीवो सिटी, पर अभी नहीं। दिस इज द बस स्टैंड, दिस इज द हार्बर फ्रंट। ओके थैंक यू। अच्छा देखिए मुझे वीवो सिटी जाना था, मेरे जाना भी था वैसे, मुझे मेरे का यही है हार्बर फ्रंट। ये देखिए सारी बस एक लाइन में खड़ी हैं।
यहाँ पर साइकिलें खूब दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर पसंद किया जाता है कि आप साइकिल से घूमो और एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर तो बेटर।